नमस्कार और आप सबको वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ खास चीजों पर चर्चा करूंगा, जिसके अंदर की हम इन बातों पे डिस्कस करेंगे कि ज्यादातर ट्रेडर्स किन कारणों से ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस में जाते हैं, और साथ ही साथ आप किस प्रकार से ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस में जाने से बच सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे कई सारे सवाल है यहाँ पर वो पूछूंगा, और जब मैं आपसे ये सवाल इस वीडियो में पूछूंगा तो आप उन पे ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा कि क्या कहीं हम ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। और खास करके अगर देखा जाए तो आज से कई साल पहले, करीब 15-20 साल पहले, जब मैंने खुद ने जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू किया तो मुझे काफी लॉसेस हुए, और मैंने उसके बाद अपना बैठ के एनालिसिस किया कि ऐसे क्या कारण हैं जिनके कारण कि मैं लॉसेस में जा रहा हूं। तो मैंने कई गोल्डन पॉइंट्स बनाए थे, वो आज भी मेरे साथ में हैं। तो वही चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ताकि आप लोग उनको फॉलो करके आप लॉसेस से बच सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि क्या ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऑप्शन खरीदा जिनमें कि आपने कोई कॉल खरीदी या कोई पुट खरीदी, और वो खरीदने के तुरंत बाद ही आप लॉसेस में जाने लग गए। जैसे फर्ज करें कि आपने कोई कॉल या पुट 55 रुपए की खरीदी, और आपके खरीदने के बाद अचानक जो है वो प्रॉफिट में नहीं आई, 5 पैसे के भी प्रॉफिट में नहीं आए। आपने 55 रुपए का ऑर्डर डाला, आपका ऑर्डर हो गया और उसके फौरन बाद वो 54 रुपए 60 पैसे, 54 रुपए 30 पैसे इस प्रकार से गई, और उसके बाद वो जो कॉल या पुट थी उसके रेट गिरते ही जा रहे हैं। और इस समय मान लीजिए कि वो कॉल या पुट 51-52 रुपीज के आसपास चल रही है और 48 तक जा रही है, जा चुकी है, और आपको ऐसा लगता है मन में कि यार मैंने ये गलत ट्रेड उठा लिया। तो आपका मन इस बात को स्वीकार कर रहा है कि आपने एक गलत ट्रेड ले लिया है, लेकिन फिर भी क्या आप बाजार से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? तो मेरा पहला सवाल यही है कि क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आप लॉस में जा रहे होते हैं, अंदर से आपका मन जानता है कि मैंने गलत ट्रेड उठा लिया है और मुझे इसको बेच के निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक आशा की छोटी सी किरण जगी रहती है कि नहीं, मेरा ट्रेड प्रॉफिट में आ सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, और आप बाजार से लड़ते रहते हैं? तो ये पहला सवाल है, और आशा करता हूं कि ज्यादातर लोग आप में से इन चीजों से गुजरे होंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो शुरुआती दिनों में ऐसा ही होता था। अक्सर मुझे लगता था कभी बाजार मान लीजिए 50-100 पॉइंट ऊपर चढ़ गया, उस समय तो 50-100 पॉइंट की मूवमेंट भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। मैं जबकि बात कर रहा हूं तब आज निफ्टी जो है, इस समय मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, 21,700 पे है, और मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ तब निफ्टी 4,000-5,000 के लेवल पे हुआ करता था, तो उस समय तो 50 पॉइंट की मूवमेंट भी बहुत हुआ करती थी। तो कई बार क्या होता था, कोई निफ्टी ने मूवमेंट ले ली 1% की, 1.5% की, अपसाइड की मूवमेंट ली तो आपने पुट उठा ली, डाउन साइड की मूवमेंट ली तो मैंने कॉल उठा ली, और उसके बाद उठाने के बावजूद भी जो है मेरे ट्रेड लॉसेस में जा रहे होते थे, और मैं बाजार से लड़ता रहता था, नहीं यार ये थोड़ा प्रॉफिट में आ जाएगा। जैसे जब देख लिया 48 पे आ गई है, समझ में आ गया कि अपन ने गलत ट्रेड ले लिया है, इससे बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं आशा में, और वो धीरे 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 करके वो 42-43 पे आ गई, फिर भी मन नहीं मान रहा है, फिर ये लगता है कि अरे यार इससे अच्छा 48 में ही काट दी होती, अब मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ, 48 पे आ जाएगी तो भी काट के निकल जाऊंगा, लेकिन मन में ये मालूम है कि ये 48 पे भी नहीं आएगी। तो पहला जो सवाल है वो यही है कि ऐसा कितनी बार हुआ है, और अगर आपके साथ ऐसा कई बार हुआ है तो मेरी आपको एक सलाह है कि जब भी आपने कोई ट्रेड लिया, और यूजुअली अगर वो ट्रेड आपके खरीदते बराबर आपने ऑर्डर डाला और उसके बाद भी उसने आपको 5-10 पैसे का भी प्रॉफिट नहीं दिखाया, और वो ऑप्शन जो है कॉल हो चाहे पुट हो, वो उसके रेट गिरते जा रहे हैं, वो नीचे ही जाते जा रहा है, और आपका मन ये कह रहा है कि आपने एक खराब ट्रेड ले लिया है, तो हमेशा एक सलाह है
कि आप 10% के स्टॉप लॉस में निकल जाए। अब अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं भी लगाया है तो आपको कैलकुलेट करके आना चाहिए कि अगर जैसे आपने 55 पे खरीदा है तो उसका 10% कितना होगा, 5 रुपए 50 पैसे, यानी कि आपको 49 रुपीज 50 पैसे के आसपास उस ट्रेड में से निकल जाना चाहिए। तो ये एक पहली सलाह है और आशा करता हूं जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इन पॉइंट्स को आप नोट करेंगे, इनको लिखेंगे। ये वीडियोस थोड़े लंबे भी हो सकते हैं, इतने सालों का एक काम करने का तजुर्बा है तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं। और मैं चाहूंगा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, खास करके जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो उनमें से अगर हम देखें तो 100 में से 90% लोग लॉसेस में जाते हैं, और उनके 90% लॉसेस में जाने के जो कई सारे कारण होते हैं, मेरा ख्याल है कि मैंने ऑलमोस्ट उनमें से 80-90% कारणों को मैंने नोट करके रखा हुआ है, और मैं उस संबंध में आपसे इस वीडियो सीरीज में चर्चा करता रहूंगा। तो आपसे एक अनुरोध है कि ये वीडियो सीरीज जरूर देखें और उन पॉइंट्स को भी आप नोट कर लें। तो आशा करता हूं पहला जो पॉइंट था वो आपने समझ लिया होगा, और इस चीज के लिए एक बहुत डिसिप्लिन ट्रेडिंग की जरूरत होती है। तो मेरा दूसरा जो सवाल है वो यही है कि क्या आपकी ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन है या नहीं है। तो दूसरा जो सवाल है वो यही है, डिसिप्लिन ट्रेडिंग। डिसिप्लिन ट्रेडिंग यानी क्या कि अनुशासन में रह के ट्रेडिंग करना। और ये अनुशासन क्या होता है? अनुशासन होता है कि आपने अपने कुछ रूल्स बनाए हों और उन रूल्स को फॉलो करना, उन्हें नहीं तोड़ना। तो डिसिप्लिन ट्रेडिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग आपको लॉसेस में जाने से रोकती है। अब ये अनुशासन ट्रेडिंग में रूल्स क्या होते हैं? तो ये वही रूल्स होते हैं जो मैंने यहाँ पर बना रखे हैं और जिनको कि मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रहा हूँ, और इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ इन रूल्स को डिस्कस करूंगा। तो इन रूल्स को ध्यान रखना और इन रूल्स के हिसाब से ही ट्रेडिंग करना। और अगर हमारे किसी रूल से हम बाहर जा रहे हैं, नियम से बाहर जा रहे हैं, तो अपने को उस नियम के अंदर बांध करके रखना, यही अनुशासन में रह करके ट्रेडिंग करना कहलाता है। इसी को डिसिप्लिन ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये जो दूसरा सवाल था ये बड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एक ऑप्शन ट्रेडर होने के नाते आपने कई बार जो है प्रॉफिट्स कमाए होंगे और बहुत बार आप लॉसेस में भी गए होंगे। आप में से ज्यादातर लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लोग शायद नेट लॉसेस में ही होंगे। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार जो मेरा पैसा शेयर बाजार में चला गया है, एक बार मैं उसको वापस निकाल लूं फिर इस लाइन से हट जाऊंगा, ऐसा भी बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो अगर आपको अपना पैसा शेयर बाजार से निकालना है या आप प्रॉफिट में आना चाहते हैं तो डिसिप्लिन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा जरूरी। और इसी डिसिप्लिन ट्रेडिंग के संदर्भ में अब मेरा जो तीसरा एक महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि क्या आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं? जैसे कि मैंने पहले सवाल में कहा कि क्या आप बाजार से लड़ रहे हैं, अगर हाँ तो फिर आपको 10% के स्टॉप लॉस में निकल जाना चाहिए। और तीसरा सवाल फिर उस स्टॉप लॉस से संबंधित ही है कि क्या आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस लगाते हैं? वो मेरा ख्याल है कि करीब 90% लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। मेरे चैनल पे मैंने काफी लंबे समय तक मेंबरशिप रखी और अभी वापस शुरू की है, तो उस मेंबरशिप में मैं एंड ऑफ द डे जो होता है 3:30 बजे जब बाजार बंद होता है तो निफ्टी के ऑप्शन चेन का जो डेटा होता है वो मैं ग्राफ वगैरह के रूप में मेरे मेंबर्स को देता हूँ और उन्हें कई चीजें सिखाता भी हूँ, न्यूज वगैरह देता हूँ। उसके अंदर मैंने आज तक कभी ये नहीं बोला है कि आप ये कॉल खरीदो या ये पुट खरीदो, ये काम मेरा नहीं है और मुझे मालूम है कि ये लीगली भी सही नहीं है। ना ही मैंने कभी शेयर्स में ट्रेडिंग की कोई सलाह दी है या किसी का पोर्टफोलियो डिस्कस किया है।
तो ये मैं थोड़ा सा बताना जरूरी है। तो खैर मैं वो जब अपने निफ्टी के जो मेंबरशिप प्रोग्राम होता था और अभी भी होता है, तो उसके अंदर मैं लोगों को ऑप्शन चेन का डेटा देता था कि भाई आज 3:30 बजे बाजार बंद हुआ, ये रात में डेटा होता था और ये ऐसे ऐसे पोजिशंस बनी। और उसके बाद बीच बीच में कई बार जो है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, मेरा एक था व्हाट्सएप ग्रुप भी था, अभी फिलहाल बंद है, उसको भी शुरू कर रहा हूँ। तो उसमें भी जो है आधे आधे घंटे के अंतर पे जो है मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन का डेटा देता था, तो कि भाई अभी ये जो कॉल है इसके अंदर लॉन्ग पोजिशन बन रही है, शॉर्ट पोजिशन बन रही है, या बाजार जो है वो ओपन इंटरेस्ट किस प्रकार से है, चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट वगैरह क्या है, क्या पोजिशंस बाजार में बन रही है। और ये लिखा भी आता था कि भाई ये पिछले 2 मिनट की पोजिशन है, ये चेंज भी हो सकती है। तो उसमें मैंने हर बार मैं मेरे मेंबर्स को सलाह देता था कि आप 10% के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। और कई मेंबर्स जो है मुझे प्रॉफिट के भी भेजते थे और उनके कई बार जैसे किसी ने कुछ प्रॉफिट कमाया, तो सारे ट्रेड्स तो प्रॉफिट के होते नहीं है, तो किसी ने कभी कॉल में कुछ प्रॉफिट कमाया, पुट में कभी लॉस हुआ, कुछ हुआ, तो मैं उन्हें गुड लिख करके भेजता था। लेकिन जब भी कभी मतलब मैं वैसे अक्सर बीच में पूछता था कि क्या आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं क्या, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग 90% लोग जिन्हें कि अगर मैं रात में रिपोर्ट दे रहा हूँ ऑप्शन चेन के डेटा के, जिसमें कि मैं स्पेसिफिकली हर रोज बोलता था कि आप 10% का स्टॉप लॉस लगाएं, उसके बावजूद वो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे। तो ये मैंने नोटिस किया है मेजोरिटी ऑफ देम। और वो मेंबर्स जो कि मतलब जिनको कि आप डेटा दे रहे हैं, पेड मेंबर्स हैं, और रोज बोलने के बाद भी वो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे, तो आप सोचिए। तो मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग कम्युनिटी है जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और वो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, और ये एक मेरे हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है कि लोग जो है लाखों रुपए के लॉसेस में चले जाते हैं। और इनिशियली जब मैं भी बहुत ज्यादा लॉसेस में गया शुरुआती दौर में लाखों रुपए के, तो उसके पीछे अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ा रीजन था स्टॉप लॉस नहीं लगाना। और अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो क्या होता है कि आप देखेंगे कि आपकी पूंजी का सिर्फ 10% हिस्सा ही लॉस में जाता है और 90% फिर भी सेफ रहता है। उस 90% पूंजी को आप वापस यूज कर सकते हैं। अगर हम माने कि आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है कि आप जो भी बाजार में ट्रेड लेंगे वो लॉस में ही जाएगा, तो भी आप देखेंगे कि अगर आप, हम एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं, 5,000 रुपए से भी शुरू करते हैं और आप 10% का स्टॉप लॉस लगाते हैं और आपका हर ट्रेड में जो है 10% का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो भी आप एटलीस्ट 5 to 6 अच्छे ट्रेड ले सकते हैं और कम से कम 6 ट्रेड में लगातार आपको लॉसेस होंगे, उसके बावजूद आपके पास कुछ न कुछ पूंजी बची रही। लेकिन फर्ज करें कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और हम पहले वाले उदाहरण पे ही आ जाते हैं कि आपने 55 रुपए पे कोई ऑप्शन खरीदा, कॉल खरीदी, पुट खरीदी, आपने उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो 42 तक चली गई, 38 तक चली गई, आप बाजार से लड़ रहे हैं, आपको गलती समझ में आ रही है, और इतना ज्यादा जब लॉस आदमी खा लेता है तो फिर वो कई बार क्या होता है, आशा ही छोड़ देता है, यार अब क्या करना है, 55 पे ली यार 38 पे आ गई। और साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है कि फिर वो उसको काटने को इलाज ही नहीं होता, वो 37-32 पे आ गई 55 की ली हुई कॉल या पुट, तो ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ इस प्रकार से है कि आदमी फिर उसको वहां काटेगा ही नहीं, फिर वो और लॉसेस में जाने देते हैं। जब 27-28 पे आ गई अगर फिर भी थोड़ा सा अकल रही तो बेच के निकल जाएगा। यानी आपने अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो आप एक ही ट्रेड में 40-50% अपनी जो पूंजी है उसको गंवा देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग स्टॉप लॉस लगाएं। अब अगला जो सवाल है वो ये है कि आपने अपने लिए कितना प्रॉफिट परसेंटेज डिसाइड कर रखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। जब हम कॉल या पुट खरीदते हैं या जब लोग कॉल या पुट खरीदते हैं, और यूजुअली आपने कोई कॉल या पुट खरीदी, फर्ज करें 35 रुपए की खरीदी, एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, मेरे चैनल पे वैसे एक दो वीडियोस हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस पे आपको कब खरीदना चाहिए या मैंने स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज किए करें, इस पे मेरे राजू धर्माधिकारी नाम के चैनल है एक मेरा, और एक और चैनल है ऑप्शंस तालीम, इन दोनों है, तो उस पे मैंने स्ट्राइक प्राइस पे एक वीडियो डाला हूँ और वो बड़ा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि अगर आप जैसे
हर थर्सडे को जो है निफ्टी की एक्सपायरी होती है, वेनसडे को बैंक निफ्टी की होती है, और मंथ के एंड में एक्सपायरी के दिन थर्सडे को निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी होती है। तो मैं हम निफ्टी की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं कि भाई आप निफ्टी में अगर काम कर रहे हैं और वीकली एक्सपायरी है, तो फ्राइडे को अगर आप कॉल पुट खरीद रहे हैं तो आपको कितनी दूरी तक की स्ट्राइक प्राइस में काम करना चाहिए। अगर आप मंडे को खरीद रहे हैं, अगर आप ट्यूसडे को कोई कॉल पुट खरीद रहे हैं, तो निफ्टी जहां चल रहा है वहां से कितनी दूरी की स्ट्राइक प्राइस पे आपको काम करना चाहिए। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये भी बात करी है कि आपको कितने रुपए की स्ट्राइक प्राइस में काम करना चाहिए। जैसे कि अगर हम फर्ज करें एक एग्जांपल के तौर पे वेनसडे की बात करें, वेनसडे को अगर निफ्टी कहीं पर चल रहा है और आप 9-10 रुपए 6 रुपए की स्ट्राइक प्राइस की जो इस प्राइस के पुट में काम कर रहे हैं या कॉल में काम कर रहे हैं जो कि वहां से 1.5% दूर है, तो जाहिर सी बात है वो लॉस में जाने वाली ही है आपकी कॉल या, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो खैर मैं वापस अपने सवाल पे आ जाता हूँ कि आपने कितना प्रॉफिट परसेंटेज डिसाइड किया है। तो डिसिप्लिन ट्रेडिंग का ये भी एक हिस्सा होता है कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करें, कॉल या पुट में काम करें, तो आपको एंट्री के साथ साथ आप कहाँ पे बाहर निकलेंगे, किस प्राइस पे आप बाहर निकलेंगे, एग्जिट करेंगे, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। और आइडियली अगर हम देखें जो इतने वर्षों का अनुभव रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 10-20% का जो मार्जिन होता है, प्रॉफिट मार्जिन, वो बहुत होता है ऑप्शन ट्रेड, और इससे ज्यादा के लिए आपको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपने 35 रुपए पे कोई कॉल या पुट खरीदी तो उसका 10% हो जाएगा 3.5 रुपए और 20% हो जाएगा 7 रुपए, यानी कि 42 रुपए। तो कायदे से अगर आपने 35 रुपए पे कोई चीज खरीदी तो आपको उसको 38 और 42 के बीच में बेच करके निकल जाना चाहिए। ये एक आइडियल प्राइस होता है। इससे ज्यादा दूरी के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आप 10 में से 8 बार आप लॉसेस में ही ज्यादातर जा सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा मूवमेंट अमूनन जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में होता नहीं है। वंस इन ए ब्लू मून या बहुत बार ऐसा होगा कि आपने 35 पे कोई चीज खरीदी और वो डबल हो जाए, 3 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, होता है। लेकिन ऐसा कब होगा उसको जानने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए, आपके पास समझ होनी चाहिए, आपको बाजार की नॉलेज होनी चाहिए। तो कई सारी चीजें हैं तब आप कर सकते हैं। अगर आपको आपके पास इन सब चीजों की जानकारी नहीं है, डिटेल्स नहीं है, तो बहुत हद तक आप लॉसेस में जाएंगे। तो इसलिए एक आइडियली अगर हम कहें तो ऑप्शन ट्रेडिंग में 10-20% का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो मोर देन एनफ होता है, और इतने ही प्रॉफिट मार्जिन पे आपको काट के निकल जाना चाहिए। तो ये जो थी कुछ बातें थी, वैसे तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत ज्यादा लंबे भी वीडियो हो जाते हैं तो लोग बोर हो जाते हैं, समय नहीं होता है, तो इसलिए इस वीडियो सीरीज को मैं यही रोक रहा हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, या मैं अभी बोलता रहूंगा लेकिन इसको अलग अलग पार्ट्स में डालूंगा। तो आशा करता हूँ ये जो 3 या 4 चीजें आज आपसे डिस्कस की हैं, आप इनको नोट करके रखेंगे अपने पास में और इनके हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे। और भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो हो सकता आप धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर।